नमस्ते दोस्तों, मैं एनी फिर से एक बार आपको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेंस पे। आज फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इनका नाम है मिसल ऑल्टर। ये बिलोंग करती है साउथ कैरोलिना से, यहाँ के स्मॉल एक टाउन से ये बिलोंग करती है। ये अभी तो साउथ कैरोलिना में नहीं रहती है, मतलब काम के सिलसिले में इनको बाहर रहना पड़ता है। अटलांटा में है, ज़्यादातर टाइम ये बिताती है। और ये अभी एक मॉडल है। इनके बारे में जो भी मुझे पता चला है आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन्होंने जो इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इनको 2 डिग्री मिली है। जैसे सोशियोलॉजी में इनको 1 डिग्री मिली है और एक क्रिमिनल जस्टिस के जस्टिस में भी 1 डिग्री मिली है। अभी इन्होंने कहा है कि इनको और भी आगे जाना है और मतलब मॉडलिंग में और ज़्यादा उनको मतलब इम्प्रूव करना है। और अभी इन्होंने जो बात कही है, जो उनके 3 सपने हैं, इनमें से फर्स्ट एक सपना जो है वो है इनके जो मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन जो सर्जरी है मोर फेमिनी दिखने के लिए, वो ये करना चाहती है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो ये जो सोशल साइड में है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है। और इनका जो हैप्पीनेस है वो मतलब चाहे किसी भी चीज़ से आए वो और भी वो हैप्पी रहना चाहती है। ये इनका 3 सपना है। और इनके बारे में और भी ज़्यादा पता चला है कि जब ये ट्रांजेक्शन शुरू की है तब इनको मतलब उनका फैमिली बोलिए, उनका फ्रेंड बोलिए, किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। तो इसीलिए उनको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा। और इनको पूछा गया था कि आपको हैप्पीएस्ट मोमेंट और रोस्ट मोमेंट कौन सा है, तो उन्होंने कहा था हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि मैं अभी जो है मेरी जो खुशियाँ है वही है मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट। और रोस्ट मोमेंट है जो मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को जो लूज किया है, ये है मेरा रोस्ट मोमेंट है। और इन्होंने इनका फेवरेट जो म्यूज़िक है वो है पंक पॉप और रॉक। इनका जो फेवरेट फूड है वो है पास्ता। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जब इनको पूछा गया था कि अगर आपने सर्जरी मतलब अभी तो आपने सर्जरी कंप्लीट नहीं मतलब पूरा सर्जरी नहीं किया है तो क्या क्या करना चाहती है, तो इन्होंने कहा है कि मैं अभी लेज़र कंप्लीट किया है, लेज़र हेयर रिमूवल, तो आगे जाके इन्होंने FFS करना है, मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी और बेस्ट ऑगमेंटेशन करना है। और इन्होंने एक बात की है कि लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको जो खुशियाँ हैं वो खुशियों के सामने आते रहेंगे, लेकिन आपको उनका हार मतलब बिना हार के उनको आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर पसंद आई है तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आऊँगी दूसरे स्टोरी के साथ।